जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात कह दी है। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों आपको बता दें, देश भर के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने न केवल नाराजगी जताई बल्कि कहा है कि हम इस मामले में अब हर 10 दिन में निगरानी करेंगे। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि 10 महीनों में 80 नामों की सिफारिश की गई, मगर ये सारी नियुक्तियां लंबित हैं। आपको बता दें, 26 जजों के तबादले लंबित हैं, जबकि संवेदनशील हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति लंबित है। आपको बता दें, मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में जजों के ऐसे 7 नाम लंबित हैं जिन्हें दोहराया गया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की और कहा कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक रहे हैं। मामले पर सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह बड़ा जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। फिलहाल सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते का समय भी मांगा। दोस्तों आपको बता दें, हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने एटी यानी अटॉर्नी जनरल को केंद्र से निर्देश लेकर के आने के लिए कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में केंद्र द्वारा देरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा है। न्यूज 18 की ये बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।